प्रयोजन है इधर। पहले काम करवा लेती आप, 10 मिनट लग गए काम ना ना मैं रहा Thank you.
मसाला कितने का है भाई? किस रेशियो का है मसाला? जी तो घबरा क्यों रहे हैं, ऐसे पूछ रहा हूँ। मसाला किस रेशियो का है? मसाला किस रेशियो में बनाए? आपको नहीं मालूम था भाईजान? अच्छा, मुझे लगा आप गुस्से में कह रहे हैं। नहीं, ये ला रहे थे ना। पांच एक का मतलब, जैसे मतलब ये समझना चाहता हूँ मैं, जैसे पांच एक का मतलब चार आप क्या रखेंगे? बदरपुर रखेंगे? नहीं, देखिए इसमें क्या हम तीन बालू दे रहे हैं। तीन बालू हो गए, दो बदरपुर पकड़ लीजिए। अच्छा, सीमेंट एक जी, एक चाहे आपका प्लास्टर हो चाहे चुनाई, अगर आप अगर भरवाना चाहेंगे 10 इंच के लिए। अच्छा, तीन बालू दो, हाँ तो पाँच हो गया जी, एक प्लस सीमेंट। हाँ तो पाँच एक बोलते हैं इसको। अगर आपकी शादी हम मंच चुनाई कर रहे हैं, इसमें कितने आदमी जो है 7 एक के लिए लगवाते हैं मसाला, कितने 6 एक के, उसकी अपने ऊपर डिफरेंस है। हम लोग अच्छा दीवार भी रहता होगा, मतलब मसाला जो छोटा बड़ा करते हैं, यानी रेशियो घटाते बढ़ाते हैं, किसी में सीमेंट बढ़ा दिए, किसी में सीमेंट घटा दिए, तो वो ये इस पर भी तो डिपेंड करता है कितना लोड आ रहा है उसके ऊपर, है ना। जैसे इसकी जो मेन पिलर है यानी नीचे की जो नींव है, वो उसमें तो बहुत सीमेंट लगी होगी, सरिया भी उसमें कस के पड़ा होगा, है ना। क्योंकि क्योंकि जो कुछ है जहाँ पे भी हम लोग या जो ये पूरा है वही उठाएंगे ना हम लोग। अब यहाँ पे जैसे ये है साइड में है, लेकिन इसमें भी मतलब लोड तो आएगा ही, अगर बनेगा, नहीं भी बनेगा तब भी लोड है। हम लोग इसे फाउंडेशन जिसे कहते हैं पिलर के लिए फाउंडेशन, इसमें हम लोग जो है तीन एक काले के चलते हैं मटेरियल, तीन एक पिलर के लिए जी, दो गिट्टी एक बदरपुर और एक प्लास्टिक, दो गिट्टी एक बदरपुर, तीन बदरपुर एक गिट्टी दो, हाँ हाँ एक प्लास्टिक, वो हो गया तीन एक। अगर क्या आदमी रहते हैं चार एक का भी लगवाते हैं फाउंडेशन में, तो अपने ऊपर डिफरेंस करते हैं। अच्छा, इधर इधर नहीं बताया जवाब साहब ने उठाने के लिए? नहीं, बोले कि आगे का जो आप पिलर उठा दीजिएगा, ये दवा और वो दवा उठा लीजिए आप, ये वाली ये उधर की और ये। अच्छा, ये हो जाएगी, फिर आप ये पान इधर लगाएंगे जी, उसके तो फिर ये उठा कौन ये वाली छोड़ क्यों रहे? किसी वजह से ये तो मना कर रहे हैं वो अभी कि अभी रहने दो, लेकिन बहुत अजीब वो लगता है मतलब यहाँ से। ये तो उठेगा जरूर, ये कैसे नहीं उठेगा? ये तो सबसे रिस्की है, जीने पे जरूर ख्याल रखा जाता है, क्योंकि जीने से ही आमतौर से आदमी मतलब बाएं दाएं होता है, जीने से तो गिर जाता है। उसके बाद जैसे आप शीशा लगाइए फ्रंट पे या कुछ भी लगा सकते हैं, उसका रेलिंग बन के आए नहीं जावेद साहब अभी? वो तो आए तो खींचते नहीं, क्या
बारह पंच साठ बाइन का हुआ नहीं कितने बारह पंच साठ एक आदमी खड़ा आई प्लस तरफ पानी मार दी मैं चला के मोटर देखे थोड़ो देख लिया स्टार्ट कहाँ पर तो मिस्त्री साहब इस दीवार को प्रॉफिट ही बोलते हैं मतलब ये जो उठ रही है ये भी प्रॉफिट ही कहा जाएगा जी पैराफिट सॉरी पैराफिट हाँ पैराफिट चाहे ये उठे और ये बीच की ये बीच की उसी हिसाब से बोली जाती पैराफिट कोई नया नाम नहीं है इसके लिए क्योंकि ये साइड मतलब बाहर की नहीं है ना नहीं अब जीने पे भी तो उठाते हैं लोग जीने पे भी तो हम आपको बता रहे हैं आदमी की अपनी व्यू होती है कि वो चार इंची उठाए या चार दस इंची उठाए ये तो ज्यादा नहीं उठेगी क्योंकि ये तो अंदर का मामला है लोग ये पता नहीं समझ में नहीं आता ये साइड की दीवार कितनी रखनी चाहिए इसमें बाज दफा आदमियों को वो भी हो जाता है आप जी साहब आप ज्यादा ऊंची कर लोगे कोई भी इंसान दीवार ऊंची करेगा तो दो नुकसान है अब तो ये जैसे धूप है अगर ये खूब ऊंचा हो जाए बहुत ऊंचा तो धूप कितनी परेशानी से आएगी एक वो और दूसरी चीज गर्मियों में क्या कहते हैं हवा नहीं आएगी जी। पता चल लाइट चली गई आदमी सोच रहा है छत पे हवा मिल जाएगी इससे बड़ा वो जंगला आता है जंगला ने उसे ग्रिल बोला आता क्या ग्रिल जी चारों पट्टी कितने आदमी जो चार लगवा दिए उसके बाद ग्रिल लगवा दिए लेकिन ग्रिल होता है क्या बच्चे चार गिरने का डर रहता है ग्रिल में मतलब ग्रिल में कैसे बीच से कैसे मतलब सब बता रहे हैं ग्रिल ऐसे लगी हाँ ठीक चार दिन लगा दिए चार दिन के बाद हम ग्रिल सेट किए हाँ ठीक क्या कहते हैं उसका जो होता हॉल पास जिसे बोले जाते हैं क्या हॉल पास जो भरा जाती है गिट्टी से जीरा हाँ, गिट्टी से हाँ, हाँ, वो भर दिए हैं अब इसकी ऊंचाई वाला नहीं है वो लगा हुआ है छत पे अच्छा अच्छा वो हाँ तो खतरा है खतरा है वो सही बात वो तो है इसमें उन्होंने तो पता ये ईंट भी बचा ली अपनी मुझे लग रहा है बिल्कुल ये बीच में सिर्फ एक पिलर दिया देखो आप देखिए कुरान खास कर कोई बच्चा है नहीं इतनी कंजूसी नहीं करनी चाहिए किसी को भी क्या पता कंजूसी की या क्या बात थी अल्लाह जाने लेकिन मेरा ख्याल से वो बीच में एक पिलर दिया है ना ग्रिल के बगैर वो इतना होगा इतना या हो सकता है दूरी की वजह से इतना लग रहा हो कुछ ज्यादा लेकिन इतनी कोई ज्यादा दूर भी तो नहीं है नहीं है। लेकिन वो बहुत खतरे वाली चीज है छत की पैराफिट में हजारों के चक्कर में लाखों का और छत की पैराफिट जो है आप तीन फीट अभी कितने फीट है ये तीन फीट है ये कमर तक आ रही कमर से ऊपर तक शायद यहाँ तक आ रही होगी तब तीन फीट है अब देखिए आपको बता रहे हैं ये जो है नीचे वाली जो लगी है ये तो आपका क्या मिट्टी डालेंगे फिर टाइल्स वाइल्स लगेंगे वो तो दब जाएंगे कौन सी चीज दबेगी ये ये अच्छा ये धीरे धीरे हल्का नीचे नीचे धीरे धीरे दबती है छत दबती है जिसका इस पे टाइल्स लगा हुआ है ये मिट्टी उट्टी डाला हुआ है इसके ताकि छत हमारी ठंडी रहे नीचे गर्मी के टाइम में मिट्टी पड़ी हुई है जी मिट्टी वो लगा हुआ है ये तो चार इंच ऐसे ही कम हो गया चार इंच कम हो गया सही है कुछ आदमी होता है कि नहीं भाई मुझे टाइल्स नहीं लगाना आईसी पे फर्श कर दीजिए तैयार आप आपका ये भी लगा हुआ है जैसे आप ये टाइल्स लगा हुआ है इस पे पहले मिट्टी डाला गया है इस पे जी अरे यार ये असल में पापा बताते हैं कि ये बनाया भाई 1970 के आसपास में उस जमाने में यार ये जैसे गैस का मारा मारी होती है सीमेंट की मारा मारी होती थी ये जो है मतलब वो पे बना हुआ क्या अपने लोग बोलते और ये राशन की दुकान पे मिलता था सबसे हैरत की बात मुझे लग रही सीमेंट राशन की दुकान पे मिलती थी
सिंगिंग की बात नहीं हो रही साहब, ये चीज़ जो है हम लोग को इतना जानकारी भी नहीं है, बता रहे हम लोग को सब जानकारी है। कत्था चूना और एक वो तो राविश बोली जाती है, उस चीज पे ये बना हुआ कत्था मिला है इसमें। जी जी, अरे यार वही कत्था जो पान में पड़ता है वही। जी जी, यार छत से पड़ा है। हम लोग क्या है, हमारे घर के आगे में बहुत पुरानी बिल्डिंग है वो, तो पहले ऐसे यूज करते थे। जी जी, कत्था चूना और सब मिक्स कर सब बनाते हैं। तीसरा नाम क्या लिया आपने, कत्था चूना और एक राविश होता है राविश, तो अब इस तरह का यूज ये बना ये तो चूना लग रहा है, चूना ठीक है। नहीं तो कत्था चूना राविश, तो इसमें जो है ये राविश कोई चीज होगी हमें पता नहीं, कोई होगी राविश जिसे बदरपुर का वो होता है छनन होता है लास्ट। अच्छा, लास्ट का जो बदरपुर में छान के अलग करते हैं, मतलब साफ जब करते हैं जो उसमें मिलती है ककड़ी कंकड़ी टाइप की, जी छोटी वाली, तो इस तरह की पहले तो पहले जमाने में तो किसी आप मुझे लगता कोई यूज नहीं करता होगा ये, कोई नहीं। अब तो ना फैशन का सो अब तो बदलते ही जा रहा है, लेकिन मजबूत वो भी रहता था है ना ये, मतलब अब साइंस पचास साल हो गए होंगे, नहीं 50 साल तकरीबन 50 साल, और लेकिन ऐसी कोई वो नहीं है, मतलब कोई बड़ी वो कमज़ोरी तो आती है सब में, 50-100 साल में 50-60 साल में आदमी चला जाता है एवरेज लाइफ, लेकिन अब ये इनका यूज़ ख़त्म हो गया, मतलब जो आप बता रहे हैं ना पहले वो होता देखिए आप पहले तो क्या साइंस वाले थे तो दिमाग नहीं लगा रहे थे, आप तो हाँ साइंस आ गई। हाँ क्या कह रहे भाई, बहुत दिमाग लगाते हैं यार, ज़रा रुक जाओगे मैं नीचे चला जाऊँ भाई, बाकी आप लोग रुकने के बाद भी टपक जाए तो मेरी किस्मत, मतलब आप रोक लीजिए बाकी उसके बाद टपकेगा, तो हम ये समझ के कि हम सीखने में कुछ लग गया मुझे। तो आप कहाँ रहते हैं भाई, आप भी मिस्त्री हैं, तो तीन मिस्त्री लगे हुए हैं अभी, दो है, वो तो एक लेबर है। लेबर को ये भी उसूल के खिलाफ माना जाता है, लेबर को कन्नी और बसुली सब नहीं देना चाहिए, अब लेबर उनमें दो लोग काम कर रहे हैं। ठीक है भाई, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।